क्या बिना चीरे के कान के पर्दे के छेद का इलाज संभव है इज ट्रीटमेंट पॉसिबल ऑफ ईयर ड्रम विदाउट इंसिजन यस दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई एंड राइनोप्लास्टी सर्जन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल दोस्तों इस आज के लाइफ में एवरी पर्सन है ब्यूटी कॉन्शियस टू द एनी बॉडी हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी पे कोई चीरा लगे ऐसे ही एक क्वेरी है हमारे पेशेंट की कि क्या मेरे कान में दिक्कत है मैं इलाज कराना चाहता हूं लेकिन क्या मुझे बिना चीरा इलाज संभव है दोस्तों मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इलाज कराना चाहते हैं बट उनको डर लगता है कि मेरे कान पे चीरा लग जाएगा सो so, बात करते हैं दोस्तों कि क्या बिना चीरे कान के पर्दे में छेद का इलाज संभव है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कान का पर्दा है उसके दो काम है बेसिकली जस्ट टू प्रोवाइड हियरिंग क्योंकि जो हमारी सुनाई है वो जो कान के पर्दे के अंदर जो हमारी आवाज टकराती है जो उसके कंपन है वो हमारे को सुनाई देता है दूसरा वो हमारे के वातावरण के अंदर जो भी गंदगी होती है डस्ट होती है बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है अब जब इसमें होल हो गया जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं सो दोस्तों ये जो परफोरेशन है इस परफोरेशन के कारण अगर हमारी लिमिटेड डिजीज है आ, तो इस परफोरेशन का इलाज जो है वो यूजुअली जो कन्वेंशनल जो टेक्निक है उसमें तो क्या होता है कि पीछे से कान के एक सीरा लगा के एंड कान के अंदर एक पर्दा यानी एक टिश्यू की लेयर लेके उसको बंद कर दिया जाता है ये ट्रेडिशनल टेक्निक है आ, दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसमें क्या है कि पेशेंट को कान के पीछे जब उसके जो है वो जीरा लगता है तो पेशेंट को क्या है उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कई बार तो क्या होता है कि अगर वो आर्मी एस्पिरेंट है एयरफोर्स में जाना है डिफेंस में जाना है दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसको अगर कोई स्कार है तो उसको बेचारे को क्या है उसमें डिस्कालीफाई कर दिया जाता है Uh, दूसरा क्या होता है कि uh, जैसे कोई मॉडल्स है या कोई वो उनको बहुत ज्यादा जो जो सेंसिटिव पर्सन है 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 दे डोंट वांट कि उनके कोई इंसिजन हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स पोस्टोरल मेथड उसमें आता है। अब दोस्तों विज्ञान के आविष्कार के बाद में जो है पहले ये सिस्टम नहीं होते आजकल एंडोस्कोपिक तरीके से भी पीछे से कान में उसमें कहीं कोई चीरा नहीं लगाया जाता है एंड उस टेलीस्कोप और एंडोस्कोप के माध्यम से भी कान के अंदर जो पर्दे में जो होल है उसको दुरुस्त किया जाता है अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको कैसे करेंगे दोस्तों कान के अंदर से सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये पर्दा कहां से आता है बहुत सारे लोग जैसे मेरे पास आते हैं दोस्तों अच्छे उनक, उनका 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 क्वेश्चन होता है जो कई लोग होते हैं जो डॉक्टर साहब मेरे को जो है ना अच्छा वाला पर्दा लगाना चाहे पैसे अच्छे ले लेना ले ले अच्छी क्वालिटी का पर्दा लगाना सो दोस्तों पर्दा क्या है कि हमारा ये जो एक यहाँ पे कान के ऊपर एक मसल है टेम्पोरल मसल उस टेम्पोरल मसल पे जैसे आज ये कोट है ऐसे ही एक कवरिंग होती है जिसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस, मिलती जुलती है तो वो जितना हमारे को कान के पर्दे में होल होता है उसे ए, तीन गुना हम उसको जो है वो वहां से जो है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारे का कान का जो पर्दा होता है उस पर्दे को जो छेद होता है उसको बंद कर दिया जाता है सो so दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो कि जो कान का पर्दा है वो हमारा खुद का एक मसल है उसका एक जो है फेशिया है उसका कवरिंग है ये लिया जाता है ये कहीं बाहर से नहीं होता है अब इसका क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि सर दोस्तों क्या इसका इलाज जो है वो हंड्रेड संभव है दोस्तों इसमें दो टेक्निक होती है एक होती है अंडरले टेक्निक एक होती है इंटरले टेक्निक जो कन्वेंसन ट्रेडिशनल टेक्निक है वो दोस्तों अंडरले टेक्निक उसमें क्या है कि जैसे कान के पर्दे में होल है इस होल के नीचे वो ग्राफ्ट लगा दिया जाता है एंड उसके नीचे एक जेल फॉर्म लगा दिया जाता है अब कुछ परसेंटेज केसेज के अंदर वो जो ग्राफ्ट वो रुक जाता है कुछ परसेंटेज में वो वापस फॉल हो जाता है दोस्तों एक टेक्निक है इंटरले टेक्निक जो बहुत कम लोग करते हैं बहुत थोड़ा सा जो है उसके लिए बहुत सारा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है काफी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उस टेक्निक में दोस्तों क्या होता है कि ध्यान देना हमारा ये जो कान का पर्दा है उसमें तीन लेयर होती हैं तो इसको बीच से क्या है? स्प्लिट कर लिया जाता है उसकी दोनों लेयर को अलग कर लिया जाता है एंड हमारा जो ग्राफ्ट हमने हार्वेस्ट किया था उस हार्वेस्ट को क्या है ग्राफ्ट को उसके नीचे यानी उस लेयर के बीच में जो है वो लगाया जाता है जैसे आप ये देखिए जैसे सैंडविच नहीं होता उसके सैंडविच के अकॉर्डिंग सो वो फॉल नहीं होता है एंड उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है एंड उसकी जो है वो सक्सेज रेट अराउंड हंड्रेड परसेंट होती है उसमें बहुत ना के बराबर चांसेज है फेलियर के एंड ये सारा काम दोस्तों जो है एंडोस्कोपिक दूरबीन के माध्यम से संभव है बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो है बीमारी वो बहुत बार क्या है हड्डी गली हुई है एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए शुरुआती अवस्था में होनी चाहिए डॉक्टर उसके लिए जो है कैपेबल होना चाहिए वो जो सिस्टम है वो साधन सुविधाएं आपको वहां पे पूरी होनी चाहिए इसलिए दोस्तों अगर आपके कान के पर्दे में छेद है डॉक्टर को जो है इलाज कराने से पूर्व आप उनको पूछ लीजिए

एंड आप, आप उसके बाद में आर्मी में जा सकते हैं एनडीए में जा सकते हैं एयरफोर्स में जा सकते हैं मॉडलिंग कर सकते हैं बाहर से आपको कहीं ये विजिबल नहीं होगा कि कान का सर्जरी हुआ है सो so, देखा दोस्तों आपने कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली यू कैन शेयर टू योर एनडीए फ्रेंड्स एंड योर फैमिली एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द दूरबीन से जो कान के पर्दे की सर्जरी होती है एंड आपका कोई सवाल है डेफिनेटली यू कैन आस्क you can put in my comment box definitely I'll reply thank you